तुम ना आम खट्टे बहुत रसीली डाल रखती हो। जी ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो आप? कैसी मतलब? अरे वो क्या है कि जब तुम्हारे क्यूट से चेहरे पर ये आम जो ऐसे यहाँ पे लगा हुआ ना टपकता है तो क्यूट के साथ साथ तो बहुत हॉट भी लगती हो और रसीली डाल रखती हो। क्या हुआ? क्या बोल रहे हो आप रौनक जी? आप भी एक मिनट तुमसे ना हो पाएगा। जमीन तुम्हें कॉम्प्लीमेंट आते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट आते हैं, तुम हजम नहीं कर, डाइजेस्ट नहीं कर, पचा नहीं सकते हो। आइए वेलकम। नमस्कार। मुस्कान रौनक, ये हैं विक्रम सिंह राठौर, इनकम टैक्स ऑफिसर। ये अभी अभी कोलकाता शिफ्ट हुए हैं। आइए अंदर आइए। चलिए। विक्रम जी रिबन कट करके इनॉग्रेशन करिए। जी तो बच्चों बताओ, काट दो रिबन? मुझे ऊंचा सुनने की बीमारी है, थोड़ा जोर से। ये हुई ना बात। और ये ओके ओके बच्चों बैठ जाओ, मैं आप लोगों को एक माइंड ब्लोइंग बहुत ही कमाल की स्टोरी सुनाता हूँ। बहुत टाइम पहले इसी एनजीओ में एक छोटा सा बच्चा आया था। यहाँ के टीचर्स, यहाँ के लोग, उसी की फैमिली थे। वो बड़ा होके सुपर हीरो बनना चाहता था और फिर वो बड़ा हुआ, 10th का, 12th का, आगे जाके उसने कई एग्जाम्स पास किए और फिर वो सुपर हीरो बन गया। कौन था वो बच्चा? आपके सामने खड़ा है विक्रम सिंह। आप लोग जानते हैं मैं आज लेट क्यों हो गया? सुपर हीरोज को अपनी ड्यूटीज भी करनी होती है, बस वही ड्यूटीज करते करते मैं आज थोड़ा लेट हो गया। ये देखो, ले आओ ले आओ। आप इन दोनों अंकल को देख रहे हैं? इनको मैंने बहुत पहले बोला था टैक्स जमा करने के लिए, सरकार का जो हक है उसे देने के लिए, एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए, लेकिन इन्हें अपनी पावर मुझे दिखानी थी। और जब जब सुपर विलन पावर दिखाएगा, सुपर हीरो को भी तो अपनी पावर दिखानी पड़ेगी ना, राइट? ताकि सब लोग सही से चलें। तो आप सब लोग खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो और बड़े होके सुपर हीरो बनके ऐसे सुपर विलन को पकड़ना, ओके? क्या बात है, ताली हो जानी चाहिए। चलिए देखिए, इतनी अच्छी स्पीच के बाद हमने नाइट स्कूल के इनॉग्रेशन के बाद हमने कुछ प्लान किया है आप सबके लिए, मतलब खास बच्चों के लिए खास मनोरंजन। और मनोरंजन ये है कि हमने आपके लिए एक चैलेंज, एक कंपटीशन प्लान किया है जो कि सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होगा, बड़ों के लिए भी होगा। अरे अरे, बिना किसी विलंब के, बिना किसी देर के बाहर चलना होगा। चलो 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 बाहर चलो चलो चलो। अब क्या सोचा है रौनक जी ने? बच्चों आ जाओ, वो रहा आम चैलेंज। अरे रुको 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 रुको, देखो क्या है, इधर हटो। ये चैलेंज है कि 10 मिनट में जो बच्चा सबसे ज्यादा आम खाएगा और जिनको मिलेगा प्राइज, जिसमें होंगे बहुत सारे मैंगो। अभी हम सब बैठ गए हैं टीम्स में और अब हम कंपटीशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? 1, 2 और 3। बात है, तुम ना आम खट्टे बहुत रसीली डाल रखती हो। क्या? जी ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो आप? कैसी मतलब? वो क्या है कि जब तुम्हारे क्यूट से चेहरे पर ये आम जो ऐसे यहाँ पे लगा हुआ ना टपकता है तो क्यूट के साथ साथ तो बहुत हॉट भी लगते हो और रस भी डाल लगते हो। क्या हुआ? क्या बोल रहे हो आप रौनक जी? आप भी अरे एक मिनट तुमसे ना हो पाएगा। जब भी तुम्हें कॉम्प्लीमेंट आते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट आते हैं, तुम हजम नहीं कर, डाइजेस्ट नहीं कर, पचा नहीं सकते हो। हमेशा प्रॉब्लम होती है। तुम एक बड़ा काम करो, तुम आम खाओ और गुटियां गिनो, यही करो जीवन में, कुछ मत करो। अरे अरे
ये क्या कर रही हैं आप? आम का असली मजा तो चूसे खाने में है। लेकिन मुझे ऐसे खाना नहीं आता है। क्या? आपने आम कभी चूस के नहीं खाया? नहीं। यार आप लाइफ में बहुत कुछ मिस कर रही हो। अब वैसे हमारा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है। आई एम विक्रम सिंह। मैं मुस्कान की फ्रेंड हूँ और रौनक की सिस्टर। अरे आम खाइए, हम हार जाएंगे नहीं तो। और मैं कैसे खाऊं? मैं आपको बताता हूँ ना, आपको ऐसे पकड़िए, थोड़ा दबाइए, इसके पल्प को अच्छे से सॉफ्ट करिए और जब पल्प सॉफ्ट आ जाए तो इसको चूस लीजिए। इतना बड़ा प्रोसीजर? ये ले। तो फिर आपका ये रहा ना। जा। चलिए चलिए, जीतना है अपन को। हाँ हाँ। डॉली जी, कुछ लगा हुआ है क्या? हाँ हाँ आम, यहाँ नहीं, थोड़ा नीचे, यहाँ थोड़ा नीचे, और एक मिनट मैं करता हूँ। सॉरी भैया। क्या कर रहे हैं आप ये? सॉरी। थैंक यू रौनक जी, मुझे पता है कि आपने ये सब कुछ मुझे अच्छा फील करवाने के लिए किया। कल रात के बाद मैं लो फील कर रही थी। ऐसा हो सकता है हमारे होते हुए तुम लो फील करो? हाँ तो बच्चों, हमारा खास आम चैलेंज यहाँ खत्म होता है और विनर्स है टीम बच्चे। क्या बात है, वाह यार, मजा ही आ गया, मतलब आत्मा ही खुश हो गई। सच में अगर कभी कुछ काम पड़े तो जरूर बताना। एंड थैंक यू फॉर द मैंगोस। थैंक यू मुस्कान, मुझे अपने एनजीओ के प्रोजेक्ट में एक छोटा सा हिस्सा बनाने के लिए। वैसे सारे बच्चे कितना स्वीट है ना वहाँ। सिर्फ बच्चे ही स्वीट है, मतलब आम और आम खाने वाला। रौनक जी। हाँ। आप कहाँ खो गए? आज हमारे विक्रम सिंह से बात हुई। जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, देखो जब तक बात नहीं की हमें पता नहीं था कैसा बंदा है, अच्छा है बुरा है कैसा है। जब बात हुई तो समझ में आया कि नेक बंदा है। सच तो यही है कि आधे जो सरकारी ऑफिसर हैं, तो आधे जो है वो सिंह साहब की जेब में ही है, करेक्ट? ये हमें लगा एक ईमानदार ऑनेस्ट ऑफिसर है, सच्चा है, तो हमने धड़ल्ले से बोल दिया कि हमारी मदद करो। हाँ, सिंह साहब के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में रेट रेट डालो उनके ऑफिस पर, सबूत लाओ, तो कल वो सबूत लाके देगा। बस हमने ये कहा कि ये सबूत माँ के सामने चाहिए हमें। एक ही बात है, गेम ओवर, सब कुछ पर्दाफाश। माँ को देखना कि उनका असली चेहरा क्या है। इतने साल जो उन्होंने माँ को बेवकूफ बनाया ना, अब देखना। ये तो बहुत अच्छा किया आपने विक्रम जी, बहुत ही ईमानदार ऑफिसर लग रहे थे। जरूर सर जी के खिलाफ सबूत ढूंढ लेंगे। रौनक जी जल्दी चलिए, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, एनजीओ के लिए आज वैसे भी लेट हो चुका है और आज तो जल्दी जाना है वैसे भी। क्या हुआ रौनक जी, आप कुछ सोच रहे हो, आप परेशान लग रहे हो? ये जो विक्रम सिंह जो है,
और सिंह साहब के खिलाफ जब रेड करेगा तो उनके काले कारनामों के बारे में कुछ ना कुछ सबूत तो मिल जाएगा उसे। हमें उसकी टेंशन नहीं है, बस ये सोच रहे हैं किसी तरह ये सब कुछ माँ के सामने लाइव हो जाए। तो आप कहना चाहते हैं कि वो विक्रम सिंह कोठे पे भी छापा मारेगा? उसी काले कोठे का काला सच तो बाहर आ जाएगा। बस दिक्कत ये है कि कहीं अगर सिंह साहब को हल्की सी भी भनक हो गई ना हमारे इस पूरे प्लान की, और उन्हें अगर प्लान चेंज कर दिया, तो फिर बाजी हमारे हाथ में आए या ना आए ये हमें नहीं पता। बस कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे कि माँ कोठे पे, मतलब वो माँ कोठे पे आ जाए और सबूत माँ के सामने आ जाए और सिंह साहब का पूरा पर्दाफाश हो जाए। बस कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा ऐसा चमत्कार हो जाए, यही सोच रहे हैं। एक तरीका है रौनक जी। क्या? यस यस, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया। अब हमारे हाथ में एक ब्रह्मास्त्र है। अब सिंह साहब का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। ये क्या है, क्या है ये? ठीक से इस्त्री भी नहीं किए हैं, ऐसे कोई इस्त्री करता है क्या? जाओ ये ढंग से इस्त्री करके लेके आओ, जाओ। अरे पंडित जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, आपके लिए जलपान का प्रबंध करती हूँ। नहीं नहीं रहने दीजिए, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बस आपसे एक निवेदन करने आया था। जी बोलिए ना। गायत्री जी, बात ये है कि वो मंदिर की मूर्ति खंडित हो गई है, नई मूर्ति बनवानी है, तो उसके लिए कुछ? अरे बिल्कुल, ये तो हमारा सौभाग्य होगा, मैं अभी। गायत्री जी मतलब ये है कि उसके लिए मिट्टी लानी होगी, आप तो जानती है ना मूर्ति के लिए किस चौखट की मिट्टी लानी होती है। जी पंडित जी मैं जानती हूँ, मिट्टी मैं खुद लेकर आऊंगी। जी धन्यवाद, अब मैं चलता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसा आपने कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया है। शुक्रिया पंडित जी, शुक्रिया शुक्रिया। जी जी तुम्हारा आइडिया कमाल का था। हाँ, बस माँ देवी माँ की मूर्ति की मिट्टी के लिए कोठे पे आ जाओ और उसी समय विक्रम सिंह आ जाए और ऐसा सारा रेडी आए, ऐसा रेडी आए ना कि पूरी दुनिया देखती रह जाए, सिंह साहब का पूरा गेम ओवर, सब कुछ का पर्दाफाश। आई होप ऐसा ही हो, बस इस बार सर जी कोई चाल चल के बाजी पलट ना दे। टेंशन नहीं हो मत, सब कुछ बिल्कुल सही होगा, अच्छा होगा, इस बार कोई गलती नहीं होगी। चलो अंदर। ये विक्रम तो अभी भी यहीं पर ही है। चलते के बात करते हैं। रौनक जी रुकिए। क्या? अब वेट कीजिए ना थोड़ा, आप ना बहुत ही जल्दी हाइपर और बहुत ही जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं। हाँ। अरे टॉली है ना वहाँ पे, टॉली के सामने बात करेंगे, उसे शक हो गया तो। अब रुकिए ना। ठीक है चलो। मैं यहाँ इसलिए आया, शायद आपसे मिलना हो जाए, सोचा हाय हेलो बोलता हुआ चल जाऊं। मैं भी यहाँ इसीलिए आई थी। क्या? हाँ आई मीन हाँ, मैं भी हाय हेलो करने आई थी बच्चों को। तो आज कहाँ रेड डालने जा रहे हैं? मेरी टीम इकट्ठा हो रही है, यहीं से पिक कर रही है मुझे। अच्छा तो फिर किसकी बहन बजने वाली है? मतलब कौन है वो चोर क्रिमिनल जिसको आपके दर्शन होने वाले हैं? सॉरी, वो क्या है ना, ये सारी बातें कॉन्फिडेंशियल हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। ओह ओके, नो प्रॉब्लम, आई कैन अंडरस्टैंड।
कैसे बताऊं तुम्हें कि तुम्हारे पापा के यहाँ ही रेड डालने जा रहा हूँ, तुम्हारे भाई के कहने पर। मैं मुझे मालूम है हम लोग कल ही मिले, लेकिन मिलके एक अलग सा ही कनेक्शन फील हुआ, हमारी दोस्ती हो गई। मैं चाहता हूं ये दोस्ती बनी रहे, बस उम्मीद करता हूं मेरे काम की वजह से हमारी दोस्ती में कोई रुकावट ना आ जाए। डोंट वरी, आप बस अपने काम पे ध्यान दीजिए, मैं आपका वेट करूंगी, फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे। एंड यस, मुझे भी ये फ्रेंडशिप रखनी है। ऐसे ही थैंक्स। माँ ने कोठे पर जाने का सोच तो लिया है, पर ये सब होगा कैसे? कैसा लगेगा उन्हें वहां जाकर? सर जी की सच्चाई आज सामने आ ही जाएगी। हे भगवान, कहीं माँ ये सब देखकर टूट न जाए, कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी उन्हें कोठे पर जाने के लिए मजबूर करके। ये लो, धो देना बच्चों। रागिनी जी, जी लाइए ना, मैं धो देती हूँ। बच्चों को आराम करने दीजिए, अगर थक जाएंगे तो रात को क्लास में पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है। आसो, लेकर आ। विक्रम सिंह, इनकम टैक्स ऑफिसर। ये ही सर। तीरथराज सिंह। यस। विक्रम सिंह, इनकम टैक्स ऑफिसर। आपके यहाँ इनकम टैक्स की डेट पड़ी है, मैं आपके कुछ ऑफिस रिकॉर्ड्स चेक कर लूँ। प्लीज कॉल। हमने जो आपकी कहानी सुनी ना अंदर क्लासरूम में, वो स्पीच जी, अच्छा लगा हमें कि अब इस एनजीओ से आप बाहर गए, नाम कमाया, इज्जत कमाई, एक ईमानदार इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए। विक्रम जी, अगर हम आपसे कहें कि कोई ऐसा इंसान है जो बहुत करप्ट है, सर से लेकर पैर तक, नेता अभिनेता सरकारी अफसर सब उसकी जेब में है, और काले धंधे हैं उसके, अधिकतर जो उसकी इनकम है वहीं से है, तो क्या करेंगे आप? उस पर रेड डालेंगे कि नहीं डालेंगे? रेड कमाल करते हो, रेड ऐसे ही तो पड़ती है। हमें हमारे गुप्त सूत्रों से इन्फॉर्मेशन मिलती है, टिप मिलती है कि कब और कहाँ रेड डालनी है, और बस फिर हम टीम लेके पहुँच जाते हैं। हाँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन पक्की होनी चाहिए। बस एक बात बताओ जी, इस बंदे का नाम क्या है जिसके यहाँ रेड डालनी है? तीरथ राज सिंह। तीरथराज सिंह जी, क्या बोल रहे हो भाई? मतलब मैं शहर में नया आया हूँ, बट काफ़ी नाम सुना है मैंने उनका, काफ़ी पॉलिटिकली कनेक्टेड आदमी है। आसान नहीं हो ऐसे इंसान के यहाँ रेड डालना, उसके अगेंस्ट ठोस सबूत चाहिए हो। वैसे तुम तीरथराज सिंह जी को कैसे जानते? इंग्लिश में फादर, हिंदी में बापू, और हमारे लैंग्वेज में सिंह साहब कहते हैं उन्हें। तो तुम तीरथराज सिंह जी के बेटे हो? अफसोस, लेकिन हाँ, 100% करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, अब छापा डालिए। इंस्पेक्टर,
आप सभी लोग जो यहाँ काम करते हैं प्लीज यहाँ आ जाइए। ना तो आप कुछ बोल सकते हैं, ना ही कोई हरकत कर सकते हैं। बस चुपचाप यहाँ खड़े हो जाइए।